यारों का जश्न है। बचाओ। ये हो कि क्या हो गया? अपने ही सहसाथी से पूछे। सत्यनाशी नहीं, यारो हूँ। भाभी जी, इसने पूरा वैक्यूम क्लीनर ना हमारे पीछे घुसेर दिया। अरे चतुर्वेदी साहब, वैक्यूम क्लीनर का काम ही है गंदगी साफ करना ना। गंदगी कौन है? बकवास मत करिए अग्रवाल साहब, हमारे दिमाग का तवा जो है ना गरम हो गया है। आप इसमें बीच में रोटी मत सेकिए, एकदम थो बोल दिया हमने आपसे। कोई बात नहीं चतुर्वेदी जी, एक काम करे, तू पानी लेकर क्या कर रहा है तू? हाँ मैं पानी लेके आता हूँ, इतने में तू हाथ पैर दबा उनके। और मैं इनके साथ इस हालत में तब तक सेल्फी ले लेती हूँ, है ना? बकवास मत करो तुम लोग, समझे ना, अगर बीच में किसी ने ठो किया तो हम उसकी ठो कर देंगे। यारो कह के क्या कह रहे हैं चतुर्वेदी जी, तूने क्यों वैक्यूम क्लीनर से उनका? यारो को नहीं पता कैसे एकदम से वैक्यूम क्लीनर हाई हो गया, सारा सामान उड़ के सुप 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 चला गया। चतुर्वेदी अंकल भी खिंच के चले आए। मीना जी, चतुर्वेदी जी, भाभी जी, छोड़ छोड़ के छोड़ दीजिए ना गुस्सा, सेहत के लिए बहुत बुरा होता है। भाभी जी, आप कहें और हम न माने, ऐसा कभी हुआ है? लीजिए, हमने गुस्सा छोड़ दिया। So sweet, thank you. चतुर्वेदी जी, बोल बोल के एक बात और बोलनी थी, बोलूं? अब मुझे क्या लगता है, अब ये बच्चे अगर कर कर के इतनी मेहनत करना चाहते हैं, तो क्यों ना हम इन्हें दे दे के परमिशन दे दे। प्लीज चतुर्वेदी जी, दे दे के परमिशन दे दीजिए ना, दे के खत्म कीजिए। दे दीजिए ना। चुप रहिए आप, बकवास कर रहे हैं। भाभी जी, अगर आप कहती ना तो मैं परमिशन तो दे देता, लेकिन इस लफंटर ने जो मेरे साथ किया है ना, उसके बाद तो मैं बिल्कुल परमिशन नहीं दे सकता हूँ। नो नो नो, नहीं नहीं नहीं। बोल बोल के आपने बीच में क्यों बोला, मैं मना रही थी ना उनको। अरे मैंने भी तो खाली परमिशन के लिए कहा था ना, इतना घटिया आदमी करे क्या इसका? अमर प्रेम शिल्पी, यारों से गलती हो गई, सॉरी, माफ कर देना। यारों को नहीं पता था कि ऐसा सब कुछ होगा, ये सब कैसे हो गया यारों को पता ही नहीं चला। पता चल जाएगा बेटा, आओ लैब में आओ मेरे साथ, आओ। आजा यार, चलो। सफाई चल रही है। हाँ हाँ, डब्बा मंगा लिया। ओहो, तो मतलब मेरा शक बिल्कुल सही निकला, ये सारा का सारा कांड चतुर्वेदी साहब का ही क्या हुआ? ये चतुर्वेदी साहब अपने आप को बहुत चालाक समझते हैं। चालाक आदमी को चालाकी से ही मात देनी पड़ती है, क्योंकि लोहा लोहे को ही काटता है, नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक। पापा, इसका मतलब चतुर्वेदी अंकल भी यारों की तरह लोहे के हैं क्या? नहीं नहीं बेटा, वो तो चिकनी मिट्टी के बने हुए हैं, बल्कि बेशर्मी वाली चिकनी मिट्टी के बने हुए हैं। यारों की वजह से सारा मामला बिगड़ा है, अब देखना यारों की वजह से ही चतुर्वेदी साहब ये परमिशन भी देंगे। मेरे पास एक आइडिया है, अब देखो मैं क्या करता हूँ, नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक। बिना जी चलिए मेरे साथ।
चलिए अगर हमको अब तक नहीं आई। अरे पूछिए ना, क्या अब तक हमको नहीं आई? अरे क्या नहीं आई? अरे बात समझ नहीं आई और क्या समझ नहीं आई कि आखिर यारो ने आपको वैक्यूम क्लीनर से पकड़ा क्यों? चुप रहा यार, जखम पे ना सिलबट्टा लेके जो है ना लहसुन चटनी मिर्चा कूट के लगाने की जरूरत नहीं है, समझी ना तुम? अरे वेलकम वेलकम भाभी जी, वेलकम भाभी जी। आप बेटी सर, मैं भी आया हूँ साथ में। अरे पता है, देख रहे हैं अंधे तो है नहीं हम। अरे भाभी जी, आप आती अकेले आती, इतनी बड़ी भीड़ भाड़ लेके आने की क्या जरूरत थी आपको? आपने मुझे भीड़ कहा, चलिए कोई बात नहीं चतुर्वेदी साहब, आप कह सकते। वैसे मैं तो यहाँ पर आपको सॉरी बोलने आया था, यारों ने आपके साथ जो भी किया उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। देखिए ऐसा है ना अग्रवाल साहब, कि हम आपकी चिकनी चुपड़ी बातों में आने वाले नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम आपको वैन लगाने की परमिशन दे देंगे तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, समझे ना आप? नहीं नहीं, मैं जानता हूँ कि आप वैन लगाने की परमिशन नहीं देंगे, और मैं ये भी जानता हूँ कि क्यों नहीं देंगे। नहीं नहीं, हम परमिशन क्यों नहीं देंगे भाई? ऐसा है कि आपका ईगो हर्ट हुआ है। हमारा ईगो हर्ट हुआ है? अग्रवाल साहब जरा खुल के बताइए। देखिए बात यह है चतुर्वेदी साहब के यारो का दिमाग आपसे ज्यादा तेज है, इसलिए उसके दिमाग में ये वैन लगाने का आइडिया आया और आपके दिमाग में नहीं आया। अगर आपके दिमाग में ये आइडिया आ जाता तो आप भी वैन लगाते, ढेरों पैसे कमाते, लेकिन नहीं आया। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में भूसा भरा हुआ है। कब? मतलब आपके कहने का क्या मतलब है कि हमारे दिमाग में भूसा भरा हुआ है? नहीं, मैं तो एक्चुअली गोबर भरा हुआ कहने वाला था, लेकिन मुंह से गलती से निकल गया कि भूसा भरा हुआ है। अरे जाइए जाइए अग्रवाल साहब, अब बकवास हमसे बिल्कुल मत करिए। अरे अच्छे अच्छे लोग हमारे दिमाग का ना लोहा मानते हैं, लोहा, और वो भी एकदम ठो। अरे कहाँ आपका चवन्नी का दिमाग और कहाँ यारों का सवा रुपए का दिमाग, बात करते हैं आप। ऐसा नहीं है अग्रवाल साहब, हमारे बच्चे का जो दिमाग है सो तो है, लेकिन चतुर्वेदी जी भी कोई कम नहीं है। वो हो के इनका दिमाग भी बहुत तेज है, आपको नहीं पता क्यों चतुर्वेदी जी? हाँ भाभी जी, देखा भाभी जी कितनी समझदार हैं, वो समझती हैं हमारे दिमाग को। लेकिन एक बात बताऊं भाभी जी, हमको बहुत कष्ट होता है अंदर से कि कहां ये बैल बुद्धि इसके साथ आप रहती। टॉपिक मत चेंज कीजिए चतुर्वेदी साहब, मैं यूं 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 साबित कर दूंगा चतुर्वेदी साहब कि आपके दिमाग में भूसा भरा हुआ है और यारों के पास सुपर दिमाग है। मैं आपको चैलेंज देता हूँ। ठीक है, चैलेंज मंजूर है, और हम ये साबित करके रहेंगे कि हमारे दिमाग के सामने तुम्हारे यारों का दिमाग जो है ना वो चूचू का मुरब्बा है, चूचू का मुरब्बा। तो ठीक है, आज शाम को कॉलोनी के क्लब हाउस में आपके और यारों के दिमाग के बीच में एक दिमागी मुकाबला होगा। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन अगर आप हार गए तो क्या? हार गए तो क्या, जो आप लोग कहेंगे हम करेंगे। मीरा जी एक काम कीजिए, ये जो कह रहे हैं ना उस बात का वीडियो बना लीजिए, क्योंकि ये एक नंबर के पॉलिटिशियन है, बात बोलते हैं पलट जाते हैं। प्लीज, हम तुम्हारी तरह नहीं है, समझे ना भाभी जी? वीडियो बनवाइए आप, तो साइड हटिए, शूटिंग हो रही है। हाँ। चतुर्वेदी जी एक्शन। आप क्यों बोल रहे हैं भाभी, आप बोलिए। चतुर्वेदी जी एक्शन। मैं चतुर्वेदी चिंतामणि, ये मैं चुनौती देता हूँ, मैं अपने दिमाग से यारों को हराऊंगा, और अगर हम हरा नहीं सके तो जो ये लोग कहेंगे वो हम करेंगे। एकदम कट इट, कट। डायरेक्टर आप हैं? हो गया चतुर्वेदी जी, कट कट। ठीक है, तय हो गया, आज शाम को आपका और यारों का क्लब हाउस में होगा मुकाबला, और अगर आप हार गए तो आपको कॉलोनी में वैन लगाने की परमिशन लेटर पे साइन करना होगा। ओके, ने बोल दिया, और वो शूट किया भाभी जी ने हमारी प्यारी, समझे ना, बोलने की जरूरत नहीं है। आइए आइए बीना जी। भाभी जी बाय बाय। अच्छा अच्छा ठीक है, कर दिया ना भाभी जी को बाय। अब शुरू होगा चतुर्वेदी जी और यारों के बीच एक दिमागी मुकाबला। कंडीशन ये है कि अगर चतुर्वेदी जी ये गेम हार गए तो वो हमें कॉलोनी के अंदर वैन लगाने की परमिशन दे देंगे। क्यों चतुर्वेदी जी? हाँ हाँ दूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि अगर यारो हार गया
तो कॉलोनी में वैन नहीं लगेगी। और सुनो, तुम दोनों कॉलोनी छोड़ के चले जाओगे, वो भी एकदम ठो। चीटिंग? एक मिनट चतुर्वेदी साहब, ये जो आप बात बोल रहे हैं, ये बात आपकी शर्त में शामिल नहीं थी, लेकिन अगर आपकी यही शर्त है तो हमें ये भी मंजूर है। अरे अग्रवाल जी, हमें ठोकर देंगे। रिलैक्स, आई एम देयर। ओके, हाँ ठीक है तो हम क्या करते हैं, चतुर्वेदी जी और यारो शुरू करो दिमागी मुकाबला। बेटा ऐसा सवाल पूछूंगा तुमसे कि तुम्हारे तोते उड़ जाएंगे। ऑल द बेस्ट यारो। ऑल द बेस्ट चतुर्वेदी जी। तो यारो, ये रहा तुम्हारे लिए पहला सवाल। सवाल ये है, 20,75,907 गुणा करो 3 से, कितना होता है? बीस लाख 75,960 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 3, मल्टीप्लाई मतलब गुणा। आंसर है 62,27,880 62,27,880 अरे बंद करो तालियां, पहले चेक तो कर ले। कितना बोला? 62,27,880 वाह चतुर्वेदी साहब, खुद को मालूम नहीं, खुद तो जवाब लिख कर लाए हुए हैं। चुप करिए आप, बकवास मत करिए, नाइट्रोजन से लेके हाइड्रोजन तक शांत बैठे रहिए आप। तो चतुर्वेदी जी, ठीक ठीक के ठीक है ना जवाब मेरे यारों का? ये क्या हुआ, हम तो इसके तोते उड़ाने गए थे लेकिन इसने हमारे कौवे उड़ा दिए। अब मेरा पहला और सबसे सरल सवाल चतुर्वेदी अंकल से। आपका सवाल है, 25% को अगर 5 लोगों में बराबर बांटा जाए तो हर एक के हिस्से में कितना आएगा? तो बहुत आसान है भाई, हैं? ये तो बहुत आसान है। 25/5 5% आएगा, और कितना आएगा? क्यों भाभी जी? रॉन्ग आंसर। क्यों? रॉन्ग नहीं है, राइट है। रॉन्ग? अरे राइट, रॉन्ग। अरे यार 5%, 14% कैसे? ऐसे। ट्वेंटी फाइव को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो देखिए, 5 से 2 जाता है, नहीं जाता, लेकिन 5 से 5 एक बार जाता है। हमने 2 पहले नहीं लिखा था यहाँ पे, इसलिए अब हम यहाँ पे लिखेंगे 2। अब 5 20 से अगर हम डिवाइड करें तो 4 बार जाता है, इसका मतलब 14। आंसर इज 14। ये पगलवा, हाँ तू हमको समझा रहा है गणित? चल इधर पागल। 25/5 5 शून्य, समझा? नहीं चतुर्वेदी अंकल, आपकी गणित एकदम शून्य है। हमारी गणित शून्य? यारो बताएगा। अच्छा, हमको गणित समझा रहे हो, बताओ बेटा जरा। ना आपकी ना यारो की, आपने कहा 5, यारो ने कहा 14। देखिए 14 को लिखता हूं 5 बार, ऐसे
ऐड करते हैं। 4 प्लस 4 8 12 16 20 और यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 20 और 5 25 आंसर इज 14। पागल है यार ये हैं? 14 14 14 14 14 चार 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 आठ आते हैं 12 चार चौक 16 चार पंचे 20 20 22 23 24 25 एक बार बताओ ये क्या ठो है चतुर्वेदी साहब अब आप और मुकाबला नहीं कर सकते मेरे यारों के साथ अब मान लीजिए कि आपके दिमाग में भूसा भरा हुआ है भूसा चुप रहिए अग्रवाल साहब अरे भूसा तो हम आपके यारों का निकालूंगा क्योंकि तो अब हम वो सवाल पूछूंगा कि तुम्हारा यारो ना जवाब नहीं दे पाएगा क्योंकि तो हमारा जो सवाल है ना वो कोई हलवा नहीं होगा जो गपक लिया और ना ही कोई पंजीरी है जो चाट के फांक लिया समझे ना अब देखो मैं क्या सवाल पूछता हूँ हाँ बबुआ बबुआ नहीं यारो हूँ हमको पता है मैं यारो हूँ यारो हूँ यारो हूँ तो हमारे सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हो ना यारो तैयार है तो बेटा दूसरा सवाल ये है कि वो कौन सी चीज है जिसे आगे से भगवान ने बनाया और पीछे से इंसान ने बनाया लेकिन दोनों चलते हैं साथ 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 कौन है वो ऐसी कौन सी चीज जिसे आगे से भगवान जी ने बनाया और पीछे से इंसान जी ने बनाया क्या हुआ तोते उड़ गए भगवान जी इंसान भगवान जी इंसान जी तोते नहीं उड़े आंसर याद आ गया आंसर है बुलक कार्ट यानी कि बैलगाड़ी जिसे आगे से भगवान जी ने बनाया और गाड़ी को इंसान ने बनाया बैलगाड़ी दोनों चलते हैं साथ साथ टिक 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 तो हमारी तरफ है कि उनकी तरफ आपकी तरफ यारों की तरफ अपने आप को 30 मार खा ना समझो 30 मार खा नहीं यारो हूँ पता है ना यारो हूँ तो यारो तुम्हारे लिए ये रहा मेरा तीसरा सवाल पढ़ने लिखने में आता हूं काम न पेन हूं न कागज हूं बताओ मेरा नाम पढ़ने लिखने में आता हूं काम न पेन हूं न कागज हूं बताओ मेरा नाम काम नाम पढ़ने में लिखने में आता हूं काम क्या है नाम माला की तरह क्या जप रहा है बोलना पेन न कागज फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़